नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बख्शी पंचकुल एग्री चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम झज्जर ज़िले में हैं और आज हम फिर से डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल जी के फार्म पे आए हैं और आज हम आपको जो है हमारा जो आज का विज़िट का जो मकसद है वो आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से एक किसान जो है वो अपने फार्म पर जो है एक एग्रो टूरिज़म मॉडल को खड़ा कर सकता है और किस तरीके से वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और एक पूरा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल जो है अपने फार्म पे खड़ा कर सकता है। तो आइए, चलिए मिलते हैं हम सत्यवान ग्रेवाल जी से ही और जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे शुरुआत की और वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो सत्यवान जी, आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने इस फार्म की शुरुआत किस तरीके से की और आपको क्या प्रेरणा थी जो आपने ये फार्म शुरू किया और एक एग्रो टूरिज्म का मॉडल शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, ये जो फार्म अगर मैं बताऊं तो मेरे बचपन का एक सपना था। तो मैं बताऊं, जो ये हमने शुरू किया अपने फार्म के ऊपर, उससे पहले नॉर्मल फसलें हम लगाते थे और ये आप बांस का पौधा देख रहे हैं, ये ज्यादा पुराना नहीं है, यहाँ पे काफी दूसरे पौधे होते थे। उन पौधों में हुआ क्या कि बाग लगाने के चक्कर में उन पौधों को हटाना पड़ा, काफी पुराने हो चुके थे, अनुपयोगी पौधे थे, तो वो हटाने के कारण फिर एक बांस का पौधा हमने लगाया जो कि आज ठंड और छाया दे रहा है। इसके अतिरिक्त इस खेत की खूबसूरती को भी ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बचपन झोपड़ी बना के और उनके अंदर हम पढ़ाई करते थे, बैठ के शाम को बाहर खेलते थे, दोपहर में उस जो झोपड़ी बनती थी उन झोपड़ियों में बैठकर हम पढ़ाई करते थे। इसके अतिरिक्त तो अब हमने जो पुराना हमारा एक फार्म हाउस जो पुराना था वो है, उसके अतिरिक्त हमने एक हट बनाई है। इसके अतिरिक्त जो है ना, आप ये बराबर में आपके स्विमिंग पूल है, अभी आज इसकी सफाई चल रही है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे बाथरूम और कपड़े चेंज करने के लिए ये दो कमरे बनाए हुए हैं। पूरे खेत में लगभग सभी तरह के हमारे फलदार पौधे हैं और हर तरह की सब्जियां हर मौसम में हम लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले जो भी हमारा मेहमान है उसको हर तरह की सब्जियां मिल जाएं। तो सत्यवान जी, आपने ये फार्म जो है ये कितने समय पहले शुरू किया? फार्म तो हमारा पुश्तैनी है। अगर बात करूँ इसके मॉडर्नाइजेशन की या बागवानी की या फिर हट बनाने की, तो ये जो प्रोसीजर था वो पिछले 6 साल पहले स्टार्ट हमने किया था। सबसे पहले हमने इसकी बाउंड्री बनाई थी, बाउंड्री बनाने के बाद में ये मकान पहले से है जो पुराने वाला है। उसके अतिरिक्त जो है ना हट जो वो पिछले साल में बनाई है, उससे पिछले साल में, ये धीरे धीरे एक दिन का प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है। वो इस खेत से जो आमदनी आती गई उसी हिसाब से हम इसको तैयार करते चले गए। पिछले 6 सालों से लेके कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो चलिए सत्यवान जी, एक बारी आप अपने फार्म का भी जो है हमें थोड़ा सा एक विजिट करा दीजिए और फिर हम देखते हैं कि आपने हट जो बनाई है हम वो भी देखना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो मेरा शौक बचपन से ऑर्नामेंटल पौधों का भी रहा है, उसी के तहत आप देख लें कितने बड़े बड़े गमले और इनके अंदर हमने जो ऑर्नामेंटल पौधे हैं वो रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसमें हमने अंगूर की बेल लगाई हुई है जो कि पिछले साल लगाई थी, अभी उनके ऊपर फ्लावरिंग आई हुई है और इस साल फ्रूट सेट होगा। तो उसके बाद में आप जब गर्मियों की छुट्टियों के आसपास आओगे तो उस टाइम आपको इन अंगूरों को खाने का स्वाद मिलेगा। हाँ, बात चल रही थी सब्जियों की, तो अगर मैं सब्जियों की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पत्तेदार सब्जियां जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लगाते हैं, उसमें आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर बात करें सब्जियों की तो गाजर का बीज हम तैयार कर रहे हैं अभी। गाजर के बीज में एक खासियत अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे साथ चल के देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। या कोई भी मतलब जो ऑर्गेनिक का फ़ायदा ये होता है, आप ध्यान से देखें मधुमक्खियाँ देखो कितनी घूम रही हैं, ये देखो दूसरी भी मक्खियाँ काफ़ी घूम रही हैं जो कि परागण क्रिया को जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से परागण करने का काम करती हैं। ये इसका फायदा ये होता है कि जो भी फूल आए हुए हैं किसी भी फसल पे, चाहे वो बाग के हों चाहे किसी की चीज़ के हुए हों, उनके ऊपर मधुमक्खियों के कारण परागण क्रिया अच्छी हो जाती है और फ्रूट जो है ना अच्छे तरीके का आता है। अगर यही बात हम किसी पेस्टिसाइड वाले खेत में बात करें तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ नहीं होती, मधुमक्खियाँ बेचारी मर जाती हैं इंसेक्टिसाइड डालने के कारण। तो इस कारण से हमारे को फायदा मधुमक्खियों का मिल रहा है। तो इसमें जो आप अभी जैसे सब्जियों की फसल ले रहे हैं, ये काफ़ी ख़त्म भी हो गई है, अभी सब्जियां आपने हार्वेस्ट कर ली हैं आप बता रहे थे, तो ये पूरा आपने एक बगीचा तैयार किया है, वो किस सिस्टम से आपने तैयार किया है? देखिए, मैं बात करूं सब्जियों की तो हर चीज़ की एक म्याद होती है, उम्र होती है, आपने सही कहा। कुछ सब्जियां जो एक उम्र होने के बाद में या पकने के बाद में खेत से निकाल ली जाती हैं, तो अब वो सीज़न आया हुआ है, पहले वाली सब्जियां निकाल के हम दूसरी लगा रहे हैं। उसमें हमारा आलू पैक होके कोल्ड स्टोरेज में जा चुका है। इसके अलावा और बहुत सारी सब्जियां थी, गोभी थी, बैंगन थे, बहुत सारी सब्जियां थी, वो तोड़ के हम बेच चुके हैं और नई चीज़ें अभी लगा रहे हैं। इसमें जो हमारा मकसद है वो ये है कि 12 महीने आपको कोई ना कोई सब्जी, जब भी आप खेत में आओ, जो भी मेहमान आएगा हमारे रुकने के लिए
उसको खेत की ताज़ा सब्जियां मिलती रहेंगी। ये प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है, हर एक सीजन के हिसाब से लगाओ, या कुछ बिना सीजन वाली सब्जियां भी हम प्रोटेक्टेड जैसे ऊपर से शेड नेट लगा के या कुछ ना कुछ लगा के हम करते रहते हैं। और इसमें जो आपने पेड़ लगाए हैं ये लगभग कौन कौन से और कितने पेड़ हैं? लगभग पेड़ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 500 के आसपास तो बड़े वाले पेड़ हैं, जिनमें इस साइड से अगर बात करें चीकू, आम और बहुत सारे हैं, लीची है, काफ़ी सारे पौधे अभी छोटे हैं वो। उसके बाद में बात करूं तो नींबू वर्गीय जो है ना, ये आपके पीछे नींबू का पौधा है, जैसे ये लाइन किन्नू की है, कहीं किन्नू है, कहीं मौसम्बी है, माल्टा है, तो इस तरह करके नींबू वर्गीय काफ़ी 4-5 इजरायली संतरा है, कई चीज़ें लगाई हुई हैं। उसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मौसम्बी का हमने आगे पूरा का पूरा खेत दोबारा से भरा है ताकि वो अच्छे तरीके से बाग का रूप ले ले। इससे पहले अगर बात करें तो कुछ पौधे अमरूद के भी हैं जो कि सीजन आने पर काफ़ी अच्छा फल देते हैं। और उससे आगे जाएं तो अनार का बाग जो है ना, बहुत अच्छा, आपने देखे भी होंगे फ्लावरिंग कितनी जबरदस्त आई हुई है। जी जी, सब्जियों की अगर बात करें तो आप देखेंगे ये जो है ना शिमला मिर्च हमने लगाई हुई है, आप देखें अभी थोड़ी थोड़ी छोटी है, इसका टेस्ट जबरदस्त, आप खा के देखना, अभी मैं खा रहा हूँ। इसके अलावा बात करें तो स्विस चार्ड की कुछ वैरायटी है, उस साइड में केल है, चेरी टमाटो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेटूस हमने बाउंड्री पे भी लगाया हुआ है और खेत के अंदर भी आपने पीछे देखा था, तो उसके अंदर जो है ना आप देखोगे दो टाइप के हरे वाले भी और ये बैंगनी कलर के भी, दो टाइप के लेटूस वाले, जो कि क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना मॉडर्न सब्जियां खाते हैं और वो आप पिज्जा हट में जाओ या पिज्जा बर्गर वाले जो उन आइटमों में ये चीज़ें डलती हैं। आप कैप्सिकम की बात करें, मैं सीधी खा रहा हूँ खेत से, किसी बच्चे को दे दोगे तो बिल्कुल नहीं खाएगा, अगर उसी कैप्सिकम को आप डाल के पिज्जा में दे रहे हो तो वो शिमला मिर्च की बजाय कैप्सिकम जरूर खाऊंगा, तो वो जो स्वाद है ना उन चीज़ों का हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा के बच्चों को देने का काम किया है। और मैं इसमें सत्यवान जी देख रहा हूँ ये बीच बीच में कुछ पेड़ भी आपने लगा रखे हैं आम के। हाँ, तो ये मतलब आपने किस सिस्टम से लगाए हैं ये आम के और बीच में पपीता? ये जो हमने जो पेड़ लगाए हुए ना, मैंने कोशिश की है कि हर तरह का पौधा लग जाए। अगर बात करें मेरे खेत की तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, उसके अंदर आप देखेंगे इसमें सब्जियां खड़ी हैं, ये हमने नई लगा दी हैं। और अगर बात करें कि एक लाइन बीच में से आप देखेंगे, जैसे आम का पौधा हो गया, आपके बराबर में चीकू का है, इसी तरह से करके कोई नाशपाती है, कोई बबू गोसा है, कोई कुछ और है, बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये इसलिए लगाए हुए हैं कि हर तरह का फ्रूट सीजन में मिलता रहे। दूसरी बात ये कि जब ये बड़े हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि इस जो मिट्टी बेड हमने बनाए हुए हैं, इस मिट्टी को उठा के हम इन पौधों के पास में इनका बेड बना देंगे और वो ये मिट्टी वहाँ पे काम आ जाएगी। मतलब पौधों में आप मिट्टी चढ़ा देंगे? जी जी, अभी जब तक क्योंकि ये रेतली मिट्टी है तो आप पानी इसमें, वैसे पानी हम दोनों तरीकों से दे रहे हैं, ड्रिप से भी, और जब ज्यादा जरूरत होती है तो खुला पानी भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस पानी बचाने का ही रहता है, ड्रिप से ही देते हैं, इसलिए ये एक बार डाउन में रखे हैं ताकि इनमें पानी सही ढंग से आता रहे। किसी भी चीज की, ये बिल्डिंग की लगाओ, खेत की लगाओ, बाग की लगाओ, सुंदरता जो है ना वो ऑर्नामेंटल पौधे जो भी होते हैं उनसे बढ़ती है। हमने इसी के तहत पूरी बाउंड्री पर जैसे चंपा लगा रखा है, ये थोड़ा सा ऊंचा गया, इसके बाद में पाम, ये सबसे ज्यादा ऊंचा जाएगा। उसके अतिरिक्त हम जो है ना अभी पौध लाई हुई है तो बीच में बोगनविलिया भी है कहीं कहीं, या फिर दूसरे पौधे जैसे जेट्रोफा हो गया, फ्लावरिंग वाले जो दूसरे पौधे हैं वो भी हम इसके अंदर आज लगवाएंगे। सारे पौधे आए हुए हैं।